हेलो दोस्तों, की हाल है तुहाडा? कब तक चुप बैठे, अब तो हमें है लड़ना। हाँ लड़ना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, इंज नहीं सरना, इंज नहीं सरना। हेलो दोस्तों, पता था नो, मैं पहलों भी दस्या होएगा कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होंगे जिंदगी। साढ़े चंडीगढ़ च ना डेयरी इंडस्ट्रीज प्रेजिडेंट कहते होंगे सी, किसी भी काम को सफलता ना पूरा कर ले जे तीन चीज़ों की लोड़ हो किड़िया होंगे। असी सोच सोच के अपने हिसाब न गिण दिखा सी, पर उन्होंने ब्लैकबोर्ड से एक नंबर पर लिखा कम्यूनीकेशन, थोड़ी साइलेंस पीरियड दे के दो नंबर पर फिर लिखा कम्यूनीकेशन, फिर थोड़ी जी साइलेंस दे के तीन नंबर पर फिर लिखा कम्यूनीकेशन। इन्ना पता होने के बावजूद भी मेरी जो मैं सरी चा ना, मेरे नाल 14-15 परिवार से जिन्हों असी हर वीकेंड पर घूमन पे जाइदा सी, पूरा वीक रज के काम करीदा सी, वीकेंड पर घूमन जाइदा सी। पर उन्होंने वो मेरी कम्यूनीकेशन तोड़न लई मैनू मतलब बोली कर करके उत्थों भजाया सी उन्होंने सरी चों। फिर मैं कैमलूपस आया, चंगी भली जॉब उत्थे सीगी मेरी, उत्थे सर्कल बनाउण दी हजे कोशिश ही कीती सी ते उत्थों भी भजाया। जदों तुहाडी कम्यूनीकेशन टुट जांदी है ना, दूर रह के तुसीं फोन ते करदे हो बट जिहड़ा तुहाडा रोजाना दा जां हफ्ता वारी वी जिहड़ा कंटैक्ट है वह नहीं रहिंदा। जदों वह नहीं रहिंदा हौली हौली ये बिथ वध जांदी है। क्यों कीता सी उन्होंने? वह सारे के सारे सिटीजन सन, सारे परिवार सिटीजन सन। दो बच्चे ने मेरे, उन्होंने दो पासपोर्ट दिख रहे थे क्योंकि असं पक्के तौर पर आए थे। जिदा मैं स्किल्ड वर्कर क्लास अप्लाई किया, सानू चंगी गल सी कि सीधी जी PRI मिली सी पहले दिन तो ही। सो उन्होंने तो साफ मंतव है सानू आइसोलेट किया उन्होंने, तो अज उ चीज़ सच साबित हो रही है कि उन्हें मेरा सर्कल नहीं मान दिता क्योंकि दो बंदियां नू पक्का करा के $1,00,000 लेंदे ने, 50,000 एक एक पासपोर्ट का, $1,00,000 कमाते ने। चलो कमाने की गल तो वक्री है, किसी की जिंदगी खराब करके कमाते ने, इस तो माड़ी गल होर की हो सकती है। हुण मैनू 3 साल हो गए ने इस इशू नू हाईलाइट करदे ना, ते अगों एडमिंटन च मेरा सर्कल नहीं बन दे रहा। जिन्नी बार मैं किसी नाल कम्यूनीकेट करदा ना, मैं करैक्टरलैस के तौर पर मिसरप्रजेंट करते हैं ये, पर इन्हों मेरी हिस्टरी का नहीं पता। मेरी हिस्टरी पता करनी है ना, तो चंडीगढ़ मिल्क टाइम प्लांट होंदा सीगा, उत्थे जिन्ने भी वर्कर ने ना कुड़ियां मुंडे सब लबोरटरी दे विच सारी टीम होंदी सी, उत्थों पता करो मेरे करैक्टर का, इन्हों के दसण ते नहीं। इन्हों का मंतव यही है कि मेरे सर्कल दे विच होर कोई क्यों आवे, खासकर हिंदी बोलने वाला तो बिल्कुल ना ना आवे। ये देख लो मैनू किसी भाषा ना कोई एलर्जी नहीं हैगी। मैं तमिलनाडु भी गया, मैं कलकत्ते भी गया, नागपुर जयपुर जोधपुर सारे घूमया। मैनू तो एक इंडिविजुअल इंसान नाल मैं उदों जुड़दा जदों मैनू लगता कि साडे च कुछ सिमिलैरिटीज ने, कुछ आइडियोलॉजिकली साडे च कुछ मतलब हैगा कॉमन, तां जुड़दा वा। भाषा असूबियां दियां रेखावां, रंग जात धर्म, मेरा इन्हां चीज़ां नाल कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ यह है जिस इंडिविजुअल नाल मैं गल करा, कुछ विचारक तौर पर कॉमन जरूर हो। जे मैं अपना करैक्टर जम्मन तो लैके कल्ला चंडीगढ़ जॉब करता सी, 7-8 साल मैं उत्थे भी रहा, पूरे इंडिया च ट्रैवल भी किया, जे मैं 48 साल तक 46 साल तक सामभ सकता तो अगे भी सामभ सकता, एहो जी कोई गल नहीं है। सो गल तो यह है कि वह क्यों तोड़ते हैं कम्यूनीकेशन, तो मैं तुहाडे नाल सांझा क्यों कर रहा। तुसी कदे भी देखना जदों की राजनीति घर च बड़ी है ना, तुहाडे आस पास ये अपने जिहड़े एजेंट प्लांट करने,
दोस्तों ये वीडियो मैं एडिट करनी पई है, जड़िया मैं मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोज़ की गल कर रहा ना वो स्पेसिफिकली मैरिज वीडियो की गल कर रहा। मैरिज साडा परसनल डिसीजन हुंदा, साडी परसनल जिंदगी हुंदी है। जे मैरिज की वीडियो नूं आपां मीडिया प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम करते हैं सारे देशों के एजेंट जिहड़े आ उह तुहाडियां इह वीडियो वेख रहे ने। दो घंटे के बिच सारे डॉक्यूमेंट पुल कर लेंगे ने कंप्यूटर से, चाहे वह आधार कार्ड हो, चाहे वह सिम नंबर हो, कुछ भी हो, सारी इनफॉर्मेशन ताड़ी दो घंटे च वो सारे रिश्तेदार की पुल कर लेंगे ने एक वीडियो देख के। तो उस तो बाद शुरू हो जाता ताड़े सर्कल दे विच अपने बंदे प्लांट करन दीआं स्कीमां जिहड़ियां ताड़े रिश्तेदारी च जिहड़े अगे विआह होने आ ना, तुसीं नहीं तय करदे हो, इह उह एजेंट तय करदे आ। किसी भी नेशन में जो खत्म किया जाता ना ये जिहड़े एजेंट ने ना इदां प्लांट करते ने ताड़े सर्कल च बंदे। सो इस गल नूं समझना इसलिए बहुत जरूरी है। जिहड़ी ताड़ी परसनल लाइफ है उहदा ख्याल तुहानूं खुद रखना पएगा। खैर प्राइवेसी तो अजकल है तो कोई भी नहीं है, पर विआह दीआं वीडियो क्यों स्ट्रीम कीतीआं जाण मीडिया दे उत्ते, पब्लिक मीडिया दे उत्ते? विआह दीआं वीडियो स्ट्रीम करन दा कोई परपस? साडे सारे रिश्तेदार एक ईवेंट दे सारे इकट्ठे हुंदे इक जगह, कि उह जिहड़े सरकारी एजेंट राजनीति खेडदे आ उहनां लई सौखा नहीं कर रहे आपां? सो इस करके स्पेसिफिकली मैं एडिट की है वीडियो के मैं मैरिज वीडियो की गल कर रहा। शुक्रिया दोस्तों। की परपस है उन्हों का? सारे देशों के जोड़े सीक्रेट एजेंट है वो देख ही रहे होंगे किड़े एजेंट नूं तुहाडे सर्कल च कदों वाड़ देना पता चलता। मैं आइसोलेट क्यों किया सी अपने आप नूं? जो भी बंदा मेरे सर्कल च प्लांट किया जांदा सीगा मैनूं उहदी सदीयत 15 दिन के बिच पता लग जाती सी, तो इस करके मैं दूरी बना लैंदा सी। तो जो चंगे बंदे नाल मिलने की कोशिश करता सी, खैर मैं तो कन्ना का कच्चा नहीं हाँ, पर हुण दूसरे बारे की कह सकते हैं? कन्ना का कच्चा भी हो सकता, कोई उहदी मजबूरी भी हो सकती है, कोई फाइनैंशियल मजबूरी, कोई होर मजबूरी, तो बस उन्हें दूर कर लेंदे सी मेरे को। पर हुण मैं कल्ले रहना सीख गया हाँ, समझौता नहीं करदा। कल्ले रहना, कल्ले जीना, कल्ले मरना पै जाए एड्डी वड्डी गल नहीं है, पर समझौता नहीं करता इस विषय ते। हुण जो करना कर लैण, भावें चौंक च टांके मार लैण, सच ते मैं बोलना गल, पूरी जिंदगी मेरी खराब कीती ना, पर मैं उहदा बदला नहीं लै रहा। जदों मैनूं इह दुबारा जिंदगी मिली आ, मैं सोचिया सी मैं इशू बेस्ड गल करांगा, किसे पार्टी वाल खड़ के गल नहीं करांगा। भावें मैं ज्वाइन भी की सी, सिर्फ इसलिए ज्वाइन की सी कि उंज मेरी गल नूं सुनिया ही नहीं जा रहा सी। जदों इशू की गल हुंदी है ना, वो इशू सॉल्व होना चाहिए। बंदियां दा व्यापार हो रहा तो इहनूं आजादी कहिंदे ने? किहड़ी आजादी है ये? तुसीं बंदे की रोटी कंट्रोल कर ली, जिहड़ियां जिथों ने कमा के खाणा, उहदी नौकरी खो ली, उदों बाद उहनूं कंट्रोल करदे हो, ये किहड़ी आजादी है भी? एक बंदे नूं $60,000 च बेचदे हो, ये किहड़ी आजादी होई? ह्यूमन ते वस्तां च कोई फर्क हुंदा? वस्तां वेचण लई होणियां, पर ह्यूमन कोई ट्रस्ट भी तो रहना चाहिए ना इंसानियत दे उत्ते। इस करके लग खड़िया मैं और खड़िया रहांगा जिन्ने दिन बचे आ मेरे को। ये कोई बदले की भावना थोड़े आ, गल तो यह आ कि देखिया मैं समाज च रह के, इसी समाज ने ही मैनू इहोजे किया हो। मैं तो बहुत चार्मिंग सीगा, देख लो पिछली हिस्टरी कढ के, हुण भी मैं तो चलो मैं प्रटेंड नहीं करता। 24 घंटे का दिन हुंदा, 8-10 घंटे मैं हसदा खेडदा, विचों घंटा 2 घंटा फ्रस्ट्रेशन भी कढ लैंदा होवांगा किसी ना किसी ते, घर दे मैंबरां नाल भी थोड़ा बहुत तो चलो मेरा हो ही जाता विचारक तौर पर, कई बार नहीं ओपीनियन मिलता, पर असी गुस्से नहीं होईदा, असी गल करीदी आ, उहनूं सॉल्व कर लईदा। 23 सालों तो यही तो करते आ रहे हैं, साडा तो हुण तक डाइवोर्स करा देंदे इह। सो दूसरे का इंटेंट समझना बहुत जरूरी है।
ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੰਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਓ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇੱਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ, 14-15 ਸਾਲ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 14-15 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਵਾਂ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਟੰਡਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ
जिन्होंने मैं बदनाम करने की भी कोशिश की ना उन्होंने भी मैं बड़े आराम नाल माफ करके जिहड़ी मिसकनसैप्शन सी उन्हों क्लीयर करने की कोशिश की है कि देखो मेरा इंटेंट हैगा एडमिंटन दे विच सर्कल बनाना, जे तुहानू चंगा लगता बना लो, नहीं चंगा लगता मैं फोर्स नहीं करांगा, पर मैं कन्वे क्लीयरली कर दिओ, यही कहा सी बस। शुक्रिया दोस्तों।